हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। सावधान, यहां कोई रहता है। हाँ, यहां कोई तो रहता है, वरना यूं गर्म नहीं होती हवा। वरना यूं तिलस्मी धुंध में ना लिपटी होती ये दुनिया। कोई तो यहां जरूर रहता है, वरना यूं अचानक कानों में कोई सरगोशी नहीं होती। लेकिन खबरदार, जो भूले से भी रुके यहां, खौफ की परछाइयां पल भर में डिगा देंगी आपका हौसला। ये वीराना कोई आम वीराना नहीं, ये खामोशी कोई आम खामोशी नहीं। इस खामोशी की कोख में पल रहा है एक डरावना शोर। सन्नाटे की बाजीगरी के बीच ही दहशत की तिजारत भी होती है यहां। जरा ध्यान से सुनिए, कोई है जो कुछ कहना चाहता है आपसे, कोई है जो आपको कुछ बताने के लिए बेताब है। कुछ देर रुके तो टूटेगी ये और बोल उठेगा सन्नाटा। सुनने की कोशिश तो करिए, वो घुटी घुटी चीखे, वो दबी दबी फरियाद और वो दहलाने वाली आवाजें। इस्लाम नगर में आपका इस्तकबाल करने बुत बनकर खड़े हैं कुछ गुमनाम किस्से। यकीन करिए, उजाले और अंधेरे की लकीर जहां मिटती है, वर्तमान और अतीत की सरहद जहां मिलती है, वहां कोई खड़ा है आपके इंतजार में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम धरोहर में। जी हाँ, खौफ की परछाइयों से कपकपाता एक किस्सा, इसकी पूरी तफ्तीश आज पेश करेंगे हम इस खास कार्यक्रम में। आज की हमारी खास पेशकश है दास्ताने इस्लाम नगर, वो इस्लाम नगर जिसकी कोख से जन्म हुआ भोपाल रियासत का। लेकिन भोपाल रियासत की बुनियाद किसी आम सत्ता परिवर्तन के बाद नहीं रखी गई थी, बल्कि धोखे, साजिश और कत्लेआम के बाद ये रियासत वजूद में आई थी। भोपाल रियासत की शुरुआत होती है इस्लाम नगर के शानदार महलों से। तो धरोहर में आज हम आपको ले चलेंगे इस्लाम नगर के सफर पर, जहां पारस पत्थर का रहस्य, गोंड रानियों की जौहर और दोस्त मोहम्मद खान की धोखे की दिलचस्प कहानी आपका इंतजार कर रही है। अठारहवीं सदी का मध्य भारत, 300 साल पहले का मध्य प्रांत। तब ना तो मध्य प्रदेश वजूद में था और ना ही भोपाल। उस वक्त रियासत का केंद्र था जगदीशपुर, जो कि वर्तमान भोपाल से करीब 15 किलोमीटर दूर है। यहां गोंड शासक राजा नरसिंह देवड़ा का राज हुआ करता था। इसी दौरान औरंगजेब की सेना में शामिल रहे अफगानी फौजी दोस्त मोहम्मद खान यहां पहुंचा। उसने राजा नरसिंह देवड़ा की हत्या कर जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। इस तरह जगदीशपुर का नाम बदलकर हो गया इस्लाम नगर। इस्लाम नगर को दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी पहली राजधानी बनाया और यहीं पर पड़ी भोपाल रियासत की नींव। इस्लाम नगर के बाद दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल शहर को भी बसाया।
दोस्त मोहम्मद खान जिन्होंने जगदीशपुर को इस्लाम नगर में कन्वर्ट किया। उसके बाद वो भोपाल आए तो उन्होंने भोजपाल को भोपाल में कन्वर्ट किया। इस्लाम नगर में आज भी रियासत काल की नायाब निशानियां मौजूद हैं। यहां कई महल मौजूद हैं जो अपनी बेजोड़ वास्तुकला के साथ ही रहस्य और रोमांच से भरे किस्सों के लिए मशहूर है। इस्लाम नगर में सबसे पहले नजर आता है रानी महल। ये महल नवाब शासकों की बेगमों का हरम था। मुगल, राजपुताना और मालवा वास्तुकला के प्रभाव वाले इस महल में कला और तकनीक का अद्भुत मेल नजर आता है। मिसाल के तौर पर रानियों के हमाम तक पानी पहुंचाने के लिए जो टेक्निक यहां इस्तेमाल में लाई गई है वो उस दौर की एडवांस इंजीनियरिंग का जीता जागता उदाहरण है। रानी महल के हमाम में लगी तांबे की प्लेटों से पानी गर्म किया जाता था। इसके जो फव्वारे आपने देखे हैं ये आज भी बिना बिजली के चलते हैं, क्योंकि उस समय विद्युत की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। तो उनके द्वारा चमन महल में एक विशेष कुआं बनवाया गया और उस कुएं का वाटर लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिससे कि ये पानी लिफ्ट करके एक हाइट तक ले जाते थे और उस हाइट पे पानी को स्टोर करते थे। वहाँ से फिर इन्होंने पूरे महल को और प्लस इस गार्डन को, इन फव्वारों को पानी की व्यवस्था की जाती थी। इस्लाम नगर की अद्भुत वास्तुकला से अधिकांश लोग अनजान हैं। अतीत की गवाही सिर्फ इस्लाम नगर की वास्तुशिल्प ही बयान नहीं करती बल्कि रहस्य रोमांच की एक दिलचस्प कहानी भी बयान करते हैं। जैसे जैसे इस्लाम नगर के धुंध से भरे गलियारों से आप गुजरते जाएंगे यहाँ का जादू आप पर चलता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अब बात इस्लाम नगर से जुड़े उस अहम राज की जिसकी चर्चा अक्सर यहाँ के पुराने बासिंदे करते हैं। कहते हैं गोंड राजवंश के खात्मे के बाद इस्लाम नगर के महल रूहों के कब्जे में आ गए। कई लोगों का यहाँ तक दावा है कि यहाँ आज भी मंडराती हैं रियासत काल की अतृप्त आत्माएं। कत्ल की वो तारीख, धोखे का वो भोज, सात रानियों की खुदकुशी, मौत का वो कुआ, कुएं में पारस पत्थर, 300 साल पुराना राज। इस्लाम नगरी की इस खूबसूरत दुनिया में रहस्य की एक तिजोरी भी मौजूद है। और अतीत का एक हैरत अंगेज किस्सा भी। साजिश, धोखाधड़ी और शाप के त्रिकोण की बुनियाद पर तामीर है ये किस्सा। कई गहरे राज इन इमारतों की दीवारों से झांकते हैं। ये अलग बात है कि वो खुलकर बाहर नहीं आते। हालांकि लोग की जुबानों पर बरसों से तौर रहे हैं और इतिहास के जानकार भी उस पर मुहर लगाते हैं। कहा जाता है कि कोंड राजा नरसिंह देवड़ा के पास पारस पत्थर था और साथ ही अकूत धन संपदा भी। नरसिंह देवड़ा अपनी सात खूबसूरत रानियों के साथ शानदार महल में रहता था। मुगल बादशाह औरंगजेब के सिपहसालार दोस्त मोहम्मद खां की नजर पारस पत्थर और उसकी अकूत संपदा पर थी। देवड़ा की बेशुमार संपत्ति को हड़पने के लिए दोस्त मोहम्मद ने एक खतरनाक साजिश रची। उसने नरसिंह देवड़ा और उनके सिपहसालारों को एक जलाशय के किनारे भूज पर बुलाया, फिर खाने में नशीला दवा मिलाकर उनकी हत्या कर दी। कत्ल के बाद गोंड राजा की लाश को दोस्त मोहम्मद ने जिस जलाशय में डाला वो आज हलाली डैम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने राजा सहित जो उनके सिपहसालार थे उनको उस नदी के किनारे बुलवाया और वहाँ बड़े बड़े टेंट लगवाए, उनके लिए विशेष भोजन और मतलब पेय पदार्थ आदि की व्यवस्था की गई
और कहा गया कि जब उनको इस बात का नशा हो गया या जो भोजन के बाद वो लोग निष्फिक्र होके उन टेंटों में बैठे सो रहे थे या जो भी कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने अपने 10-15 आदमी छुपा के रखे थे, तो जैसे ही वो लोग थोड़ा सा बेफिक्र हुए उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया, टेंटों की रस्सियाँ काट दी, वो सारे गौंड राजपूत जो लोग थे वो वहीं फंस गए और उनको वहीं पर काट के उस नदी में डाल दिया। तो उर्दू में शब्द आता है हलाल करना, तो वो हलाल करके डाला तो वो उस नदी का नाम हलाली नदी हो गया और आज भी आप उसे हलाली डैम के नाम से जानते हैं। ये किंवदंती है। राजा भी नष्ट हुए, जिस राजा की गौंड राजपूत की 7 रानियाँ थीं, वो 7 रानियों के पास पारस पत्थर था, तो ये उन्होंने सोचा कि अब ये जो हमको दासी बनाएगा, तो दासी बनाने के में तो उन्होंने वहाँ से भाग करके आई तो गौंड राजपूतों का मतलब किला हैगा, उसमें एक अंतकुआ है, अंतकुआ में जाके वो सातों सातों अपने कूद गई, उन्होंने आत्महत्या की गई। जैसे ही राजा नरसिंह देवड़ा की हत्या की खबर उसकी 7 रानियों तक पहुंची, उन्होंने भी अपनी जान देने की ठान ली और फिर वो सब के सब गोंड महल के मौजूद बने इस कुएं में एक एक कर कूद गई। इस तरह दोस्त मोहम्मद की साजिश ने गोंड राजवंश का खात्मा कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि जिंदा हो गए खौफ और तिलिस्म के नए टीले। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। गोंड वंश के नेस्तनाबूत होते ही इस्लामनगर में औरंगजेब के सालार दोस्त मोहम्मद का राज कायम हो गया। लेकिन कत्ल के बाद क्या चैन से रह पाया दोस्त मोहम्मद, क्योंकि जिस जमीन पर साजिश के बीज पड़े हों वहां सुकून के फूल खिलते कहां हैं? गोंड महल में कौन रहता है? पुराने महल में किसका साया? क्यों डर गया दोस्त मोहम्मद? कहां गया पारस पत्थर? गोंड महल के कुएं में क्या है? हलाली डैम में गोंड राजा की समाधि, तो महल के पुराने कुएं में 7 रानियों की जल समाधि। क्या इसके बाद दोस्त मोहम्मद को वो पारस पत्थर हासिल हो गया जिसके लालच में उसने गोंड राजवंश को तबाह किया? नहीं, ता जिंदगी उसके हाथ नहीं आया वो पारस पत्थर। कहते हैं कि गोंड रानियां अपने साथ वो पारस पत्थर भी ले गई थी। दोस्त मोहम्मद ने कुएं में पारस पत्थर को तलाशने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इसी तरह गोंड महल में रहना भी दोस्त मोहम्मद को नसीब नहीं हुआ। राजा नरसिंह देवड़ा की हत्या के बाद उसने गोंड महल को अपना आशियाना जरूर बनाया था, लेकिन वो गिनती के दिन ही वहां रह पाया। कहते हैं गोंड राजा और रानिया के मरते ही यहां रहस्यमय साय मंडराने लगे, रूहों की बस्ती बन गया था गोंड महल। दोस्त मोहम्मद की बेगम उनके चलते परेशान और बीमार रहने लगी। आखिरकार दोस्त मोहम्मद को ये महल छोड़ना ही पड़ा। फिर उसने गोंड महल के सामने खाली पड़े मैदान में पहले रानी महल और उसके बाद चमन महल का निर्माण करवाया। ये दोस्त मोहम्मद खान ने महल में कब्जा कर लिया, वो अपनी रानियों के साथ रहने लगा यहाँ पे, लेकिन कभी वो सुखी नहीं रह पाया वो, और ना ही उसकी रानियाँ बीमार बीमार रहने लगी। उसके बाद फिर लोगों ने उसे समझाया कि भैया यहाँ पे आत्माएं भटक रही हैं इनकी, तो आप जो है यहाँ से चले जाओ कहीं। तो इन वजह से वो परेशान होके इतना परेशान हुआ कि उसने इसके सामने इतना अच्छा महल छोड़ के दूसरी जगह इसने अपना महल बनवाया। राजा नरसिंह देवड़ा की हत्या, उसकी रानियों का जौहर और पारस पत्थर का रहस्य,
ये सब अब अतीत के पन्नों में दफन हो चुके हैं। लेकिन गोंड महल में बना ये कुआ आज भी मौजूद है अपने अविश्वसनीय किस्सों के साथ। भोपाल रियासत की स्थापना से जुड़ी ये रहस्यमय कहानी इस्लाम नगर के इन गवाचों, परकोटों, झरोकों और नीम अंधेरे गलियारों से झांकती रहती है। यकीन मानिए, जब भी आप यहाँ पहुंचेंगे, 300 साल पुरानी ये दास्ता एक बारगी आपकी आंखों के आगे कौंध उठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इस्लाम नगर में रहस्यमय किस्सों के साथ दिलकश नजारे भी हैं। ऐसा ही हसीन नजारों के सौगात पेश करता है यह मौजूद नायाब मुगल बाग। मध्य भारत का ये इकलौता ऐसा बाग है जो मुगल बाग की तर्ज पर बनाया गया है। कहते हैं कि आज से 300 बरस पहले, जब बिजली भी नहीं थी, तब भी इस गार्डन में शानदार फव्वारे चला करते थे। इस्लाम नगर में केवल इतिहास चहलकदमी नहीं करता, बल्कि यहां जन्नत की खिड़की भी हर वक्त खुली रहती है। जी हां, इस्लाम नगर अपने शानदार बागीचों के लिए भी जाना जाता है। खूबसूरत बागीचों से घिरे इस्लाम नगर महल को दोस्त मोहम्मद खान ने 1708 से 1726 के बीच बनवाया था। यहां की दरो दीवार पर मुगल और हिंदू वास्तुकला की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। इस्लाम नगर में दो अन्य स्मारक, चमन महल और रानी महल भी सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। दिलचस्प और ऐतिहासिक पहलू ये है कि भोपाल सल्तनत के कई लोग, जिनमें शाहजहां बेगम भी शामिल हैं, यहीं जन्मी हैं। ये जगह भोपाल बैरसिया रोड पर करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित है। इस्लाम नगर का मुख्य आकर्षण यहाँ के स्मारक है। इनमें मुगलों की चार बाग शैली में बने गार्डन बेहद खास हैं। मध्य भारत क्षेत्र में चार बाग शैली के मुगल उद्यान बहुत कम संख्या में हैं। इस्लाम नगर के मुगल उद्यान में पहुंचकर कश्मीर के मुगल गार्डन जैसा एहसास होता है। कहते हैं इस शैली के बागों का निर्माण सबसे पहले साइरस द ग्रेट के अधीन पर्शियन साम्राज्य में हुआ था, जबकि भारत में तैमूर लंग और बाबर के समय इसकी शुरुआत हुई। ज्यामितीय आकार के विन्यास, फल और फूलों के वृक्ष, संतुलित और व्यवस्थित भूखंडों में फूलदार झाड़ियां और देखने वालों को ठंडक पहुंचाते और आनंदित करते झरने इन बागों की खूबियां हैं। भारत में कश्मीर के मुगल बाग प्रसिद्ध हैं। इनमें निषाद बाग, शालीमार, चश्माशाही, वेरीनाग और अच्चाबल उद्यान शामिल है। अन्य मुगल बागों में चंडीगढ़ के समीप पिंजोर, दिल्ली, आगरा, अजमेर, उदयपुर और औरंगाबाद के मुगल बाग मशहूर हैं। लाहौर, काबुल, समरकंद, बुखारा, इस्फहान, हेरात और सिराज के मुगल बाग भी खासे मशहूर हैं। इस्लाम नगर का चमन महल मुगल बागों की परंपरा का एक खूबसूरत नमूना है। चार बाग की प्रतिष्ठित रूपरेखा की प्रतिकृति वाला ये बाग श्रेणियों में बना हुआ है, जिसमें पानी के छोटे तालों से होकर पानी नीचे की ओर बहता है और जमीन तल पर व्यवस्थित नाली नुमा नहरों से होता हुआ गुलमों और फूलों की क्यारियों को सींचता है। फव्वारे पानी की बौछारों से हवा को ठंडा करते हैं। इस्लाम नगर का चमन महल कश्मीर के ऐतिहासिक मुगल बागों की तुलना में काफी छोटा है, लेकिन देश के मध्य हिस्से में बना ये बाग सैकड़ों साल पुरानी इस वैभवशाली परंपरा का एक बेजोड़ उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। धरोहर में आज के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।